कोटा कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में मंगलवार को विजयादशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विजयादशमी पर कस्बे के दशहरा मैदान में 50 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। इस अवसर पर भव्य मेले का आयोजन भी किया गया। मेले में झूले, खिलौने, गुब्बारे, चाट पकौड़े सहित विभिन्न प्रकार की दुकानें लगी। दूर दूर से सभी संख्या में मेला देखने आने लोगों ने खरीदारी कर मेले का आनंद लिया। सायं 4 बजे कस्बे कैरमला मैदान में भगवान राम लक्ष्मण हनुमान की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए दशहरा मैदान पहुंची, जहां भगवान राम ने बुराई के प्रतीक 50 फीट रावण के पुतले का दहन किया। जैसे ही भगवान की शोभा यात्रा दशहरा मैदान पहुंची तो चारों ओर से जय श्री राम के जयकारे गूंजने लगे। संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया। शोभा यात्रा के दशहरा पहुंचने के बाद पहले भगवान राम एवं रावण की सेना के बीच युद्ध हुआ। तत्पश्चात भगवान राम की भूमिका में लक्की भारद्वाज ने रावण के पुतले का दहन किया। इस मौके पर आदर्श रामलीला मंडल के वरिष्ठ सदस्य अमरनाथ पटेल, संरक्षक वीरेंद्र बंसल, सुभाष गोयल सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।